गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस साल का जेई मेंस का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ दिन पहले हमने मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व किया था, स्पेशली 7-8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे हर पेपर के, है ना। अब जो है ओरिजिनल पेपर आ गया है, तो ओरिजिनल पेपर के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा चेंजेज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल पेपर जो है इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर से रिलेटेड है। कहा गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी बिटवीन देम। यहाँ पर डायग्राम में बनाया गया है, ये दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया है ए, इनके बीच का सेपरेशन है डी, है ना। फिर कहा गया इट इज फिल्ड विथ अ डायलेक्ट्रिक विच हैज अ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वेरीज एज के इज इक्वल टू के, मतलब ये जो के है वो वेरिएबल है, ये के कोई कांस्टेंट है ना, के इंटू वन प्लस अल्फा इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स। जैसे ये प्लेट है तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर जो है वो के का वैल्यू ये बताया गया है, वन के इंटू वन प्लस अल्फा एक्स इस पोजिशन पर, ठीक। अब बताया गया इफ अल्फा डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन वन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ड गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैपेसिटर है इसमें क्योंकि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है, तो इसमें एक साथ में एक बार में कैपेसिटेंस नहीं निकाला जा सकता। हम लोग क्या करेंगे, एक पहले एलिमेंट्री कैपेसिटर लेंगे और फिर उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, और फिर यहां से यहां तक जितने भी कैपेसिटर बनेंगे सबका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक। तो मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। दूसरा डायग्राम में ये जो है ये दो पैरेलल प्लेट्स हो गए, है ना। तो इस प्लेट से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट्री कैपेसिटर लेते हैं, ठीक। तो ये जो कैपेसिटर है, जो एलिमेंट्री कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा डीसी। हमें पता है कि जो सी होता है वो होता है एक्चुअली में के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय डी, ऐसे होता है। तो इस एलिमेंट्री कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इंटू वन प्लस अल्फा इंटू एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी, जो होता है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है। यहाँ पर ये जो डायलेक्ट्रिक है या कह सकते हैं जो कैपेसिटर है उसका थिकनेस जो है वो dx है, तो यहाँ पर dx आएगा, ठीक। अब ऐसे ही कैपेसिटर जो है कई सारे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से कैपेसिटर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक बनेंगे। ये सारे कैपेसिटर जो है वो सीरीज में माने जाएंगे। सीरीज में कब मानते हैं, जब कैपेसिटर जो है वो इस गैप को डिवाइड करने लगते हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स इस गैप को डिवाइड करते हैं तो कहते हैं कि ये सीरीज में है, और जब इसके प्लेट का एरिया को डिवाइड करते हैं, यानी ऐसे डायलेक्ट्रिक होते ऐसा लेयर होता तो पैरेलल में कहलाते हैं। तो ये सारे सीरीज में हैं। जब कई सारे कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वन बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, इस तरह से हम लोग ऐड कर देते हैं ना, मतलब कैपेसिटेंस का इनवर्स लेकर के ऐड करेंगे, ठीक। तो यहां पर भी अगर हमें वन बाई सी निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो डायलेक्ट्रिक है ना, या ये कहें कि ये छोटा सा जो एलिमेंट्री कैपेसिटर है उसका इनवर्स लेंगे और इसको जोड़ देंगे, मतलब ऐसे खूब सारे एलिमेंट लेंगे, हर एलिमेंट कैपेसिटेंस निकाल करके जोड़ देंगे। जोड़ने का काम जो है इंटीग्रेशन करेगा, है ना, इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना, है ना। तो ये यहाँ पर इंटीग्रेट करके हम लोग जोड़ सकते हैं, तो 1 बाई डी सी कितना आएगा, डी सी तो ये है, तो 1 बाई डी सी हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 से डी तक, है ना। तो 1 बाई सी इज इक्वल टू, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट ए,
ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, ये इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, बचेगा डी एक्स बाई वन प्लस अल्फा एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग में, लॉग वन प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा, और लिमिट रखेंगे जीरो टू डी, तो वन बाई के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा लॉग वन प्लस अल्फा इंटू डी, ये हो जाएगा जब लिमिट रखेंगे, बाद डी रखेंगे तो वन प्लस अल्फा डी आएगा, जीरो रखेंगे तो लॉग वन आएगा, लॉग वन जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक। तो ये आया वन बाई सी का वैल्यू, अब इसको लिखा जाएगा वन बाई के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा लॉग वन प्लस अल्फा डी का जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू डी माइनस अल्फा डी का होल स्क्वायर बाय टू प्लस अल्फा डी का होल क्यूब बाय थ्री माइनस, इस तरह से एक्सप्रेशन आता है ना, ये एक्सपेंशन हो गया लॉग वन प्लस अल्फा डी का। यहाँ पर अल्फा डी जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन वन बताया गया, तो अगर अल्फा डी वन से बहुत छोटा है तो हायर पावर में क्या हो जाएगा, ये और भी छोटा होता जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहले तो यह अल्फा डी कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा डी बाहर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा, यहाँ बचेगा वन माइनस अल्फा डी बाई टू प्लस अल्फा डी का होल स्क्वायर बाई थ्री, इस तरह से आएगा, है ना। तो इसमें मैं हायर पावर जो है उनको नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अल्फा डी का जो वैल्यू है पहले से ही वन से छोटा है, बहुत ही छोटा है वन से भी, है ना, ऐसा क्वेश्चन बताया गया। तो ये क्या आएगा फाइनली, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए वन माइनस अल्फा डी बाई टू, वन बाई सी ये आया, हमें तो सी निकालना है, सी निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वन माइनस अल्फा डी बाई टू पावर माइनस वन, ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें चूंकि अल्फा डी का वैल्यू वन से छोटा है तो अल्फा डी बाई टू भी वन से छोटा होगा, तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से क्या आएगा, ये माइनस वन यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस अल्फा डी डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो फाइनली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया है वह है के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी वन प्लस अल्फा डी डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो ये देखेंगे कि जो ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर देखें जो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन है एग्जैक्टली उतना ही दिया गया है, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी वन प्लस अल्फा डी बाई टू, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है।